नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पिछले दिनों एक खबर सोशल मीडिया पर खूब तरीके से वायरल हो रही थी। उस खबर में ये था कि किसी एक प्रदेश में एक मंत्री जी सड़क का उद्घाटन करने गए थे। नई सड़क बनी थी, उसका उद्घाटन करने गए थे, तो वहाँ पर ठेकेदार भी थे, गाँव के लोग भी थे, सरपंच भी थे और कई अन्य लोग भी थे। तो मंत्री जी ने जैसे ही उस सड़क का उद्घाटन करने के लिए उस सड़क पर नारियल फोड़ा, तो नारियल तो टूटा नहीं लेकिन सड़क टूट गई। यह खबर किसी दूसरे प्रदेश की है, लेकिन राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही हाल आपको नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव आटी में हूं। आटी में एक ऐसी सड़क की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा जिसका निर्माण किए हुए अभी एक महीना भी नहीं बीता है। सिर्फ एक महीना ही नहीं हुआ है और उसके बाद आप देखिए कि किस प्रकार से ठेकेदार और विभाग के बड़े बड़े अधिकारी इन सड़कों के पैसे को डकार गए हैं। मैं डकारना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर सड़क के जितने पैसे स्वीकृत सरकार ने किए थे, उतने पैसे ही अगर सड़क के निर्माण में लग जाते तो सड़क के एक महीने बाद ये हाल नहीं होते। अब हाल क्या है, मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि वो हाल दिखाए। सबसे पहले यहाँ पर आए और दिखाएं, जो सड़क एक महीने पहले बनी हो उसके हाल क्या ऐसे होते हैं? क्या ये सड़क, ये देखिए, एक इंच भी इसमें अगर यूं कहें तो एक इंच की भी परत डांबर की नहीं है। नीचे आपको ये मिट्टी नजर आ रही है जो पहले मिट्टी थी। अगर एक इंच डांबर डालना था तो सड़क बनाई ही क्यों? इस प्रकार की अगर सड़क बनती है, ये जगह एक की नहीं है। अब आगे आगे का नजारा दिखाएं, मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि आगे का नजारा दिखाएं। आप इस सड़क के नजारे देखिए, गड्ढे इतने हैं कि यहाँ पर अगर पानी डाल दिया जाए तो यहाँ इस क्षेत्र की पशुधन है वो एक महीने भर पानी पी सके। इतने बड़े बड़े गहरे गड्ढे हो गए, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरी तरीके से ये सड़क जो है, जो एक महीने पहले बनी है, उस सड़क के ये हाल हैं। तो निश्चित रूप से सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या ऐसे ही सड़कों के निर्माण होते हैं? ये सिर्फ नज़ारा इसी सड़क का नहीं है बल्कि आसपास की कई गांवों की ऐसी सड़कें हैं। लगातार लोगों की शिकायतें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि इस बार जो सड़कों का निर्माण हुआ है, वो सड़कों का निर्माण आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, ये सड़क जिसको एक महीना हुआ है वो इस तरीके से धस गई है, इस तरीके से गहरे गड्ढे बन चुके हैं कि इन सड़कों में आप तो आराम से तालाब, इन गड्ढों में तालाब बना सकते हैं और स्विमिंग भी कर सकते हैं। आप ताज्जुब मत करिएगा क्योंकि ये नज़ारे हैं ऐसे। आखिर इन पर कौन कार्रवाई करेगा? क्या इस प्रकार की शिकायतें, ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायतें अधिकारियों तक नहीं पहुंची हो, ऐसा नहीं है कि इस ये जो सड़कें इस प्रकार की बनी हैं इसकी जानकारी नेताओं को नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी मंत्री या सरकार को नहीं है, लेकिन उनकी आंख कब खुलेगी? इनकी इस प्रकार की लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं करना कहीं ना कहीं उन पर भी सवाल खड़े करते। ये सड़क है, अब आप इसको सड़क कहेंगे या क्या कहेंगे? आप देखिए, क्या ऐसी सड़क होती है? क्या ये सड़क होती है? क्या ये देखिए, सड़क नाम की चीज़ सिर्फ एक इतनी सी परत, आधे इंच की जो परत है वो डामर की बिछा दी है, जिसके कारण सड़कों की ये हालात हो गई है। मैंने जो आपको तस्वीरें दिखाई हैं, ये तस्वीरें वाकई में हैरान कर देने वाली हैं। और लोगों ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, जो सड़कों के पैसे डकार गए हैं, आप देखिए, मैंने जानकारी पता किया तो ये सड़क 2.5 किलोमीटर की सड़क है, 2.5 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई थी और सड़क के 62 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। 2.5 किलोमीटर सड़क जिसके 62 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, इससे पहले तो यहाँ पर जो डामर अपने कच्ची सड़क थी, जो पत्थरों की मुरडिया की सड़क बनाई जाती है, कच्ची सड़क थी, ग्रेवल सड़क थी, वो 2005 में बनी थी और अभी तक 2022 तक इतनी अच्छी सड़क थी, वो ग्रेवल सड़क थी कि उससे लोग आराम से आ जा सकते थे। लेकिन जो ये हाल बने हैं डामर सड़क स्वीकृत होने के बाद, आप देखिए किस प्रकार से सड़क पूरी की पूरी टूट चुकी है। इस गांव के कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका और ये सड़क के हालात जो है? राणा राम है, मेरा नाम राणा राम है। ये रोड, ये बनी, गवर्नमेंट ने पैसे दिए, ये देखो ये रोड बनी है सर। ये पैसे कितने स्वीकृत किए गवर्नमेंट ने, सुविधा के लिए किया है, ये देख लो। तो आप देखिए क्या नज़ारे हैं, क्या हालात हैं। निश्चित रूप से सरकारी तंत्र, ठेकेदार और जो अधिकारी हैं उन पर सवाल खड़े करते हैं कि अगर आपको स्विमिंग पूल इस सड़कों पर बनाना था तो कहीं और स्विमिंग पूल बनाते, लोग आनंद लेते, तालाब बना लेते। आपने तो सड़कों पर ही तालाब बना दिए,
इतने बड़े बड़े गड्ढे बना दिए हैं कि यहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाए तो ये तालाब बन जाएंगे, ये स्विमिंग पूल बन जाएंगे, और ऐसे में तो यहाँ के पशुधन हैं, गायें हैं, वो भी इस तालाब में पानी पी सकेगी। तो भाई अगर तालाब ही बनाने थे तो सड़कों पर क्यों बना रहे हो? अगर पैसे ही खाने हैं तो आप सड़कों के नाम पर क्यों खा रहे हो? लोगों की क्या कंडीशन होगी? जब ये सड़क बन रही थी लोगों को कितनी उम्मीदें थी कि हमारे गांव में सड़क बन रही है, और एक महीने बाद अगर सड़क के ऐसे हालात होते हैं तो निश्चित रूप से इन पर गंभीर रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, और इस प्रकार से पैसे लगाने वाले जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए।